क्या हुआ? कॉलेज से आते वक्त कार खराब हो गई। कार्बोरेटर खराब हो गया होगा? हाँ? मतलब उस दिन इंजन प्रॉब्लम आई थी ना, तो अब कार्बोरेटर प्रॉब्लम आएगी, इसका ये मतलब था। ओ, आप एक घंटा रिलैक्स कीजिए ना, कार हम अभी रिपेयर कर देते हैं। क्या कहा, एक घंटा? अगर आपको अर्जेंट काम है तो बताइए, ये बाइक पर ड्रॉप कर देगा। इसके साथ छी, मैं नहीं जाऊंगी। घबराइए मत, इसने एक साल सर्कस में काम किया है, आपको बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। हा? आप इस सब की टेंशन मत लीजिए, आप तो बस कॉफी शॉप पे जाके कॉफी पीजिए, आप पीते रहिएगा, ये बोलता रहेगा, इतने में तो हम गाड़ी ठीक भी कर देंगे। आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? चार हैं मेरे। बॉयज के बॉयफ्रेंड होना तो कॉमन चीज है, इसलिए इन्हें पूछ रहा था। वैसे ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए क्यों? मतलब बॉयफ्रेंड की भी तो कार होगी ना, उन्हें भी हमारे गैरेज में लाने को कहिए। अच्छा, कवर किया। आपके पापा क्या करते हैं? सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे क्यों का क्या मतलब होता है, कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना। कुछ बात करने के लिए कार कहाँ से खरीदी, कितने में खरीदी, माइलेज कितना देती है, ये सब भी तो पूछ सकते हो, लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों? हे चुप ना। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। बिस्किट खाओगे? नहीं नहीं, आप खाइए ना। आप क्लास टॉपर है ना? आपको कैसे पता? आपकी तरह साइलेंट रहने वाली लड़कियां अच्छे से पढ़ती हैं। क्रीम बिस्किट चाहिए? वन सेकंड। जिस गाड़ी में साइलेंसर ना हो, ऐसी गाड़ी को सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इस बार आवाज करे तो उसके पुर्जे तोड़ देना। बाय। एक्चुअली एक घंटा हो गया है, तो चलते हैं। क्या, एक घंटा हो गया? आपसे बात करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। वेटर, बिस्किट पुराने हो गए हैं, अगली बार बदल देना। क्या बोलता है, अब तक तो पटा लिया होगा ना? आपकी कार ठीक हो गई? थैंक यू। क्या रे, कुछ काम बना क्या? कहाँ यार, वो कबाब में हड्डी बन के बैठी थी ना। तो टेंशन मत ले, किसी न किसी दिन ये कार लेके अपने गैराज में आएगी ना, तो ब्रेक निकाल देंगे। इसलिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हूँ। हर रिपेयर के लिए पूरी गैंग का आना जरूरी है। ये गैंग नहीं है, इट्स अ टीम, सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट्स हैं। पता होना चाहिए ना कि प्रॉब्लम कहाँ है। हाँ, पता होना चाहिए, वायरिंग प्रॉब्लम है ना। चाहे जितना बड़ा एक्सपर्ट हो, देखे बगैर बताना गलत है। सडनली कार खराब हो जाती है, परसों एक बार, कल एक बार, आज फिर खराब हो गई। आपके गैराज में लाने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। किट्टू, वायरिंग प्रॉब्लम, एक्सपर्ट है। बस थोड़ा वायरिंग इशू है ना, दो घंटे में ठीक कर ही देंगे। दो घंटे लगेंगे? हाँ, इन दो घंटों में हम थिएटर में मूवी देखेंगे और किट्टू हमें कंपनी देगा, है ना? Exactly. ये देखिए, मेरा दोस्त टिकट लेकर भी आ गया। वाह, पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हो, चलो चलते हैं। अबे तुझे हॉरर मूवी मिली थी क्या? रोमांस करने के लिए हॉरर मूवी सही होती है यार, तभी तो टचिंग हगिंग होती है। अरे क्या हुआ, आप मूवी खत्म होने के बाद बताए बिना ही चली गई? बहुत डर गई थी क्या? मुझे ऐसी हॉरर कॉमेडी मूवी बहुत पसंद है, और आपको? मुझे भी, स्क्रीन पर हॉरर और उसे देखते वक्त आपने जो कॉमेडी की, दोनों अच्छे थे। वैसे प्रॉब्लम क्या है? क्लच लॉक हो गया है। ऐसा कैसे हो गया, लॉक तो गियर होना चाहिए ना। आपको कैसे पता कि गियर लॉक होगा? ये तो एक साइड इफेक्ट होता है ना, जैसे जैसे इंजन प्रॉब्लम आती है वैसे वैसे गियर लॉक हो ही जाता है। किट्टू, अगर चाहो तो कल से मैं ही गैराज आ जाऊंगी। नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करके कार खराब मत करो। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, आप 10 मिनट अंदर बैठिए, मैं कार ठीक करके आता हूँ। आप लोग ग्रेजुएट्स हैं? कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, लीज पर ये गैरेज चलाते हैं। मतलब आपकी कॉलेज से फ्रेंडशिप है? उससे भी पहले से। कॉफी? ओह, शहर के बाहर जो अनाथालय है ना, वो हमारा ही है। वाह, आप लोगों ने बनाया? नहीं, हम वहाँ बड़े हुए। ओह सॉरी डैडी, हमेशा ऐसा ही करते हैं। आज लेट क्यों आया? डैडी से झगड़ा हो गया। ओहो, यार किट्टू, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गियर ब्लॉक हो गया शायद, एक बार देखना जरा। बाय भैया।
बाय बेटा। वो कौन है? सनी नाम है उसका। उसका बाप उसे काम पर भेजता था और ये उसे स्कूल भेजता है। मंथली सैलरी और उसकी फीस भी देते हैं। हम कहते हैं हमें क्या करना है, इसके माँ बाप देख लेंगे, पर ये सुनता ही नहीं। उन्हें बोलो कि बच्चों से काम नहीं करवाते। अगर मना कर दिया ना तो उसे दूसरे गैराज पे काम पे लगा देगा। जैसे ऑक्सीजन के बिना इंसान मर जाता है ना, एजुकेशन के बिना इंसान का फ्यूचर मर जाता है। ये इसकी फिलोसफी है। थैंक यू। हमारी इतनी सारी प्लानिंग के बावजूद तो फ्रेंड कह के चली गई यार। उसे तेरी फीलिंग समझ भी आ रही है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता यार। मुझे भी नहीं लगता। फीलिंग्स में म्यूजिक ऐड करके अब उसे मैं अच्छे से समझाऊंगा। हेलो, कौन? मैं किट्टू बोल रहा हूँ, फ्रॉम कार केयर। कार रिपेयर की थी ना, तो पता करने के लिए कॉल किया कि कैसी है। कल ही रिपेयर करवाई थी ना, इतनी जल्दी क्या होगा? नहीं मतलब रिपेयर की थी ना, तो डेली एक बार कॉल करके हालचाल पूछना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जरूरत नहीं है, कुछ होगा तो मैं फोन कर दूंगी। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ही करूँगा। मैं करूँगी। मैं करूँगा ना। कहाना नहीं। कहाना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जानकी। कुछ समझ में आया? बच्चे समझ रखा है क्या? देखो ये फेसबुक व्हाट्सएप ज्यादा यूज मत करना, समझ में आया? आ रहा है। किट्टू, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आई तो तुम प्रपोज कैसे करोगे? मैं प्रपोज नहीं करूंगा। तो फिर? प्यार तो एक फीलिंग है, अपनी फीलिंग सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। उसे लफ्जों में बयां नहीं कर सकते, समझ लेना चाहिए। अगर समझ नहीं आई तो? अगर अपने प्यार में सच्चाई हो तो पक्का समझ में आएगा। मतलब क्या मेरे प्यार में सच्चाई नहीं है? तुम्हारा प्यार तो तुम्हें मेरी फीलिंग समझ नहीं आ रही है ना? ए, सुनो रे, हमें अपनी बताई हुई कीमत पे गैराज मिल रहा है यार। फोन स्विच ऑफ आ रहा है यार। क्या बात कर रहा है यार तू? 3 महीने में रजिस्ट्रेशन है। सच में? सच में? हाँ? लेकिन मेरा मन तो वैजाग में ही लगा हुआ है, तू जो बोलेगा मुझे समझ में नहीं आएगा। ए, देख भाई, कर्जा लेने के बाद फ्रेंड और ब्रेकअप के बाद गर्लफ्रेंड, फोन नहीं उठाती ऐसा सब जानते हैं यार। अबे तेरी तो, तेरे मुंह से अच्छी बातें निकलती नहीं है क्या? जानू। हाय। वन वीक कहा था, 4 दिन में आ गई। मिस किया मुझे? नहीं करूंगी, तभी तो जल्दी वापस आ गई ना। ए, सुना ना? हाँ सुना। एयरपोर्ट से सीधे यहाँ आई हो? हाँ, आधे घंटे में हॉस्टल नहीं पहुँची तो वार्डन एंट्री नहीं देगी, फिर भी तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ चली आई। मेरी जान, मेरी रानी, मेरी डायमंड। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, 1 हफ्ते में मेरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो रही है, जुबली हिल्स में घर लिया है। उसके बाद ही मैं तुम्हें मेरे पापा से मिलवाने लेकर जाऊंगी। हाँ? ए, सुन लिया, मेरी शादी भी फिक्स हो गई है। सोचा था गैरेज खरीद कर ओनर बन जाएंगे, अगर तेरी शादी हो गई तो मैडम के पास फिर से वर्कर बन के काम करना पड़ेगा। व्हाट, तुम गैरेज खरीद रहे हो? मैडम के फीट, पाँव, हमारा फेट ही बदल गया। ठीक है, देर हो रही है, मुझे जाना है। जानू, 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 थोड़ी देर रुक जाओ। जानू प्लीज थोड़ी देर रुको ना। देखा, कार भी जाना नहीं चाहती। किट्टू, देर हो गई है, कैसे जाऊं? बाइक से, चलो चलते हैं।